नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रकार के बीन्स जिसका नाम है बाकला, उसके बारे में। ना जाने दुनिया भर में कितनी प्रकार की हरी सब्जियां होती हैं, हम सबों को कितनों के बारे में तो जानकारी भी नहीं है। इन्हीं में एक है फावा बीन्स यानी बाकला। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फावा बीन्स क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं। बाकला एक प्रकार की बीन्स है जिसे फावा बीन्स के नाम से भी जानते हैं। इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन ए जैसे कई जरूरी पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो कई तरीके से शरीर को लाभ पहुंचाने में काम करते हैं। पार्किंसन तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में कंपन होता है जिससे शारीरिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। यह समस्या तब होती है जब तंत्रिका कोशिकाएं डोपामाइन नामक मस्तिष्क रसायन का उत्पादन नहीं कर पाती है। ऐसे में फावा बीन्स का उपयोग लाभकारी हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर में फॉलिक एसिड की कमी होने वाले शिशु में जन्म दोष का कारण बन सकता है। जन्म दोष का प्रभाव शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ सकता है। ऐसे में शिशु के सही विकास के लिए गर्भवती महिला फावा बीन्स का सेवन कर सकती हैं। डायबिटीज की समस्या किसी को भी हो सकती है, ऐसे में जरूरी है कि खुद का ध्यान रखा जाए। मधुमेह से बचाव के लिए फावा बीन्स मददगार साबित हो सकता है। फावा बीन्स में मौजूद विसेनी और डिविसिन नामक कंपाउंड के एंटी डायबिटिक गुण मधुमेह के लिए लाभकारी होते हैं। कैंसर एक प्राणघातक बीमारी है, ऐसे में इससे बचाव के लिए व्यक्ति को खुद का ध्यान रखना जरूरी है। कैंसर से बचाव के लिए फावा बीन्स लाभकारी हो सकता है। इसमें एंटी कैंसर गुण भी मौजूद होते हैं जो खासकर पेट के कैंसर के खतरे को कम करते हैं। इतना ही नहीं, फावा बीन्स को पेट के कैंसर के उपचार के लिए सप्लीमेंट के तौर पर भी उपयोग किया जाता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। ये सभी पोषक तत्व रक्तचाप पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आहार जिसमें नियमित रूप से फलियां शामिल हैं, वह वजन नियंत्रण में मदद करती है। फलियों में फाइबर, प्रोटीन और धीरे धीरे पचने वाले कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं जो पेट के भरे रहने का एहसास कराते हैं। फलियों का सेवन न करने वालों की तुलना में विभिन्न प्रकार की फलियों का सेवन करने वाले वयस्कों में शरीर का वजन कम देखा गया है। इसके अलावा जो व्यक्ति फलियों का सेवन करते हैं उनमें मोटापे का जोखिम भी कम हो सकता है। नियमित रूप से फलियों का सेवन करने से LDL यानी हानिकारक कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी होती है। फलियां खाने वाले व्यक्तियों में LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स में तो सुधार देखा ही, साथ ही ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन स्तर में भी सुधार पाया गया है। लेकिन इससे जुड़ी कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जिन्हें आप जरूर जानें। अगर कोई पहली बार फावा बीन्स का सेवन कर रहा है तो इसका कम मात्रा में ही सेवन करें, खासतौर पर वो व्यक्ति जिन्हें नए खाद्य पदार्थों से फूड एलर्जी का खतरा रहता है। ध्यान रहे कि गर्भावस्था में फावा बीन्स के सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह लें। गर्भावस्था के दौरान जरूरत से ज्यादा फावा बीन्स के सेवन से नवजात शिशु में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की कमी हो सकती है। इससे हीमोलिटिक एनीमिया का खतरा हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हम आशा करते हैं कि फावा बीन्स से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।